इधर का ड्रिंक बोल तो ये इधर की है, मैं और सूख गई है, रस्ट लग गया है, थोड़ा टाइट भी हो गया है बिल्कुल। काफ़ी इसका एयर फिल्टर कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पीजी वाली बाइक ली है तब से तो ये चालू नहीं हुई है, बिल्कुल सूख गई है, पूरा लगभग साल से ऊपर हो गया है। ये ऐसे ही खड़ी थी अपनी पहले वाली करिश्मा, पूरा मकड़ी का जाला हो गया, टूटी खिड़की, मकड़ी का जाला, पूरा लूज लूज हो गया। अब अपन इसको कोल्ड स्टार्ट करेंगे, लगभग नई बैटरी लगाई थी मैंने साल भर पहले, डेढ़ साल हो गया लगभग। एक बार पूरा अपन कंसोल चेक करेंगे, थंबनेल ले लेते हैं एक बार। काफ़ी नया चेन सेट है बिल्कुल ही, पर रस्ट लग गया है, थोड़ा टाइट भी हो गया है बिल्कुल ही। मुझे लगता है ये चलने में बहुत नाटक करेगी, और शायद हवा भी काफ़ी कम हो गई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये दिक्कत है, पेंट भी थोड़ा वैसा, ये मैंने पेंट था स्प्रे पेंट किया था लेकिन काफ़ी उतर गया, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार कंसोल देख लेते हैं। ओह माय गॉड, चालू है इसकी। देखो अभी कोई बोलेगा कि ये पहले से चालू कर रखी है, भाई पहले चालू नहीं है क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट देखो आप, अभी कुछ भी नहीं आया इसमें, मिट्टी मिट्टी लगी पड़ी है। ओ भाई चलो पहले धुलाई चालू करें इसकी। अभी एक बार अपन इसका गियर में डाल के देखते हैं, बहुत हार्ड हो गया, सेकंड गियर में डाल दिया है। बहुत वाइब्रेशन है इस बाइक में, हवा हवा सब भर लिए हैं। अब इसको अपन इसका सर्विस करेंगे, इसका ऑयल चेंज करेंगे। ब्रेक पैड ठीक है, दोनों तरफ हवा भरा लिए हैं, बस खाली इसका ऑयल चेंज होगा, इसमें कुछ आता तो है नहीं। फिल्टर भी ठीक है इसका, ये फिल्टर जब मैंने लास्ट टाइम जब इसे बैटरी डलवाई थी तभी इसमें इसका फिल्टर भी डला था, फिल्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली अब इसका ऑयल चेंज होगा, बेसिक सर्विस। तो बेसिकली अपन एक तो ये मिरर्स एडजस्ट करेंगे, वो भी ढीला हो गया, इसका एक तो ऑयल चेंज करेंगे, और तीसरी चीज़ एक तो ये हटा देंगे अपन, ये थोड़ा लुक ख़राब करता है, तो अपन उसको कुछ डिसेंट सा अपग्रेड करेंगे इसके अंदर। तो पहले अपन ये बेसिक आइटम ही हटा देते हैं और ऑयल चेंज कर लेते हैं अपना सबसे पहले, जो मैंडेटरी है। और हाँ चेन स्प्रे हम ज़रूर करेंगे इस पर भी। तो पहले अपन इसकी ये जो कि डालने की जो ऑयल डालने की जो जगह होती है वो खोल लेंगे यहाँ से। ये पूरा साफ़ है, इसका एयर फिल्टर कोई दिक्कत नहीं है। डाल दें एक बार कैमरा दिखा देते हैं, काफ़ी काला तो हो गया है वैसे, पर चेंज कर देते, साल भर हो गया क्योंकि पड़े पड़े, ख़राब होता नहीं है पर ठीक है, साफ़ करने में क्या जाता है। तो अपन पहले इसको अपन यहाँ अटका देते हैं, लटका दिया ताकि गंदा ना हो ज़मीन पर। अब अपन ऑयल ड्रेन करते हैं, इसका ड्रेन बोल्ट इधर से आपको दिख रहा नहीं होगा शायद, ये रहा इधर, ये वाला है, ये है इसका इधर का ड्रेन बोल्ट,
तो ये अपन तरफ खोलते हैं और नीचे अपन इसके नीचे कीप लगाते हैं जिससे ऑयल नीचे डब्बे में गिरे। 17 नंबर है, 17 नंबर का इसमें गोटी लगेगा मेरा माइक। पूरा हाथ ऑयल में हो गया क्योंकि थोड़ा डब्बा छोटा पड़ गया साइज के हिसाब से। इसमें मैं पुराना ऑयल इकट्ठा करता हूँ फिर सेल कर देते हैं। मेरे पास 5 बाइकें हैं तो उस हिसाब से ये मैं ऑयल इकट्ठा कर लेता हूँ। कई बार काम भी हो जाता है और कई बार अपन इसको सेल भी कर सकते हैं। अपन डालेंगे इसमें कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट 1 लीटर, ये है 200 ml मैंने नाप लिया है, 200 ml 1200 ml टोटल डलेगा इसमें। ये रहा हमारा छोटा सा कीप और इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगा और ऑयल डालना शुरू। और इसमें बहुत धीरे धीरे डालना पड़ेगा क्योंकि ऑयल बहुत जल्दी स्पिन कर देता है। तो ये ओरिजिनल ऑयल है बिल्कुल सुपर बाइक का ऑयल, सील है पूरे, सील पैक अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना। ओके बस ये फुल सिंथेटिक का है, ये हाईबूसा में भी ऑयल, ये सुपर बाइक में भी ऑयल डल जाता है आराम से ये। लेकिन अपन 223 सीसी में डाल रहे हैं, ये 10W40 फुल सिंथेटिक। मोटिल का तो इससे भी महंगा आता है लेकिन ज़रूरत है ही इस बात में। लेकिन अपना काम कैस्ट्रोल से भी बहुत अच्छा चल जाए, आराम से लगभग ये 3,500 किलोमीटर ऑयल चले जाता है इसमें। क्योंकि इसमें डीजल इसका कम इसलिए चलता है क्योंकि इसमें ऑयल फिल्टर नहीं लगता, ऑयल फिल्टर होता तो ये लंबा चल जाती, लेकिन इसमें ऑयल फिल्टर नहीं आता इन गाड़ियों में। तो अपन ने ऑयल चेंज अपन ने पूरा कर दिया है और इसको अपन क्रैंक करेंगे अपन एक बार। अब थोड़ा ऑयल ऊपर चढ़े फिर अपन रैंप करेंगे इसको धीरे धीरे, फिर रेस देंगे इसमें धीरे धीरे। अपन इसको ऑयल चेंज कर लेते हैं, ऑयल का चेंज हो गया है। टोटल गाड़ी चल चुकी है 43,000 किलोमीटर, अब ये रैप करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज था यार।